नवी मुंबई के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जहां एक तरफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 100% जमीन प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर फाइनेंशियल क्लोजर किया गया है, तो वहीं तीन फेज में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत सवा लाख घर तैयार करने की योजना है। नवी मुंबई के इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर मैंने बात की सिडको के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय मुखर्जी से, आप भी सुनिए। सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट जो है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये शायद देश का एकमेव प्रोजेक्ट होगा जिसका 100% लैंड इज नाउ हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। 100% जमीन जो है वो हैंडओवर हो चुका है। उस एरिया में सिडको ने जो सिडको का काम करना था, जैसे कि उल्वे रिवर का डाइवर्शन था या तो फिर आपका लैंड स्टेबिलाइजेशन था, रॉक कटिंग था, तो ये सारे काम जो है सिडको ने कंप्लीट कर दिया है। उसी प्रकार से उस प्रोजेक्ट का अभी फाइनेंशियल क्लोजर हो चुकी है और उसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो दिसंबर 24 जो है इस प्रकार से है। तो वो प्रोजेक्ट अभी एकदम मार्क पे है और वो प्रोजेक्ट अभी आगे चल रहा है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है नवी मुंबई मेट्रो। तो नवी मुंबई मेट्रो जो है ये करीबन 11 साल पहले सिडको ने चालू किया था, और उस वक्त जो है इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेट्रो की पॉलिसी नहीं थी, तो इट वाज बिफोर इट्स टाइम। बट मेट्रो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो उसको जो है हमने महा मेट्रो को दिया हुआ है और उसका भी काम जो है एकदम जोरों से चालू है, एंड वो भी एकदम कम्प्लीशन के पास ही जो है आज के डेट पर खड़ा हुआ है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा शायद ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। हमारे तीन फेजेस है, तो तीनों फेज मिलाकर करीबन 1.25 लाख घर का ये है। तो पहला फेज जो था जो 23,500 घरों का था वो फेज कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड फेज जो है वो 67,000 घरों का है, उसका काम चल रहा है, और थर्ड फेज जो है उसका काम अभी चालू होने वाला है। तो ये जो है हाउसिंग जो है हम लोग जनरली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं, 1 BHK के घर है। एक कॉन्क्रीट अगर डेडलाइन की बात करें सर, क्योंकि तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के आपने जिक्र किया, आपने हाउसिंग स्कीम का जिक्र किया और एक ट्रांस हार्बर सी लिंक है, ये तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लोगों के जहन पे, लोगों के जुबान पे रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये कब रेडी हो, तो कॉन्क्रीट डेडलाइन क्या है इनके तैयार होने की? हाउसिंग स्कीम का फेज वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके जो है जो फ्लैट्स थे वो फ्लैट्स का वितरण चालू है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स जो है वो फ्लैट्स निकल गए हैं। हाउसिंग स्कीम फेज़ टू जो है वो अभी 3 साल में वो कंप्लीट होगा, पर उसका भी जो है हमने रेरा में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसका वितरण जो उसका जो स्कीम है वो स्कीम चालू है, और अभी 7,900 करीबन 8,000 घरों का जो स्कीम है वो स्कीम अभी इट इज़ स्टिल लाइव। तो इस प्रकार से वो है। और एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो 31st of December 2024 ये जो है ये एक सिडको और कंसेशनर के बीच में ये एग्रीमेंट है, और इसी हिसाब से डेडलाइंस अभी तक के जो काम हुआ है वो टाइमलाइंस के हिसाब से हो रहा है।